Good morning, students. You might remember Henri Matisse, and we did last time one of his famous pictures. So as he was very sick, as he grew old, he stopped painting and then he started cutting pictures, colored papers, and used to make collage out of it. बच्चों, पिछली बार हमने हेनरी मैटिसे का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र को बनाया था, और जैसे आप जानते हैं कि समय के साथ उनको बीमारी आई और फिर वो चित्र बना नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो रंगीन पेपर को काटकर उसको वो चिपकाकर वो चित्र बनाते थे, और इसके लिए उनके साथ एक सहायक हमेशा रहती थी जो उनको मदद करते थे. चिल्ड्रन, टुडे वी विल मेक वन ऑफ हिज वेरी फेमस पेपर कटिंग. बच्चे लोग, आज हम एक उनके बहुत प्रसिद्ध पेपर कटिंग के द्वारा जो चित्र उन्होंने बनाया था उसको हम करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पेपर कटिंग एंड दिस इज बेसिकली अबाउट अंडर वाटर सीन वेयर यू सी द फिशेस एंड द एल्गी and so many of underground living organisms inside. प्रिय बच्चों, ये जो चित्र है जो उन्होंने पेपर को काट करके बनाया है, ये जो है पानी के नीचे की जीवन के बारे में बताता है, जो अनेक प्रकार की मछलियाँ और अनेक प्रकार के पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं, उनका ये चित्र उन्होंने पेपर को काट करके प्रस्तुत किया है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड अवर पेपर इनटू टू हाफ्स. यू सी दिस, दो हाफ में हमने अपने पेपर को बांटा है. यूज अ स्केल एंड देन डिवाइड इट, एंड नाउ वी विल डिवाइड इट इनटू फाइव बॉक्सेस. So we have a side, थोड़ा सा कोना को हम मार्क कर देंगे, और उसके बाद जो है पांच बक्सा को हम बनाएंगे ऊपर और नीचे. So total there will be 10 boxes. So the boxes should be equal. So you should use scale and make equal boxes. उस स्केल का इस्तेमाल करके आपको देखना है कि जो बॉक्से हैं वो बराबर हों, उनका लंबाई और चौड़ाई बराबर हों. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू कलर द बॉक्सेस डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू. सो हियर वी आर यूजिंग द पेंट टू कलर द बॉक्सेस. But if you don't have paint, you can use the colored papers. So we are using here paint. प्यारे बच्चों, हमें पहले इन बक्सों को रंगना है, एक को गाढ़ा नीला, एक को हल्का नीला. हम यहाँ पर पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. यदि आपके पास पेंट नहीं है तो आप जो है क्रेयॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो कलर पेपर है उसको आप चिपका सकते हैं. देखिए, यहाँ पर हम लोग पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. First we will paint all the light blues. पहले हम लोग जो बक्सा है उसमें हल्का नीला को पेंट करेंगे. Children, please ensure that you do alternate ones, huh? Be careful not that you miss that. बच्चे लोग, एक बात ध्यान रखना है कि एक एक छोड़ करके आपको
उस सेम कलर को करना है। Now children, you see here, here we have the dark blue. Children, if you don't have two different shades of blue, what you can do is you can mix a white in one of the blue and make it lighter and you can use it. बच्चे लोग, अगर आपके पास नीले रंग का दो शेड नहीं है तो आप जो शेड है उसमें थोड़ा सा सफ़ेद रंग मिला करके उसको हल्का करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर बैकग्राउंड इज रेडी विथ डार्क एंड लाइट ब्लू कलर। तो हमारा बैकग्राउंड अब तैयार हो गया है बच्चे लोग, और इसमें हमने गाढ़ा और हल्का नीला का इस्तेमाल किया है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल मेक द बॉर्डर। ओके, पहले हम लोग कोनों को बनाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे नहीं, हम लोग केवल कैंची का इस्तेमाल करके सीधा काटने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से हमें सीधा काटना है ना? देख रहे हैं आप लोग? ये एक कला है। इसमें आप पेंसिल और स्केल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आप जो है कैंची के सहारे सीधा काटने की कोशिश करेंगे। सो यू विल यूज अ सिसर्स एंड ट्राई टू कट स्ट्रेट। यू विल नॉट टेक द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। सो नाउ आवर बॉर्डर इज रेडी टू बी पेस्टेड। सो लेट्स पेस्ट आवर बॉर्डर। So children, we will cut it little bit shorter so that it is smaller than the paper, and after that we will paste it. Similarly also on the other side. So our border is ready. We will use Fevicol or any other gum and we will paste it. Children, you should not worry if it is not perfectly straight. अगर पूरा सीधा ना हो तो आप घबराइए नहीं, आप पूरा अपना कोशिश करिए। ओके, डोंट वरी इफ इट इज नॉट स्ट्रेट। सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल कट फिशेस। ओके, ट्राई टू मेक स्मॉल थिंग्स एंड मेनी, इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग वन फिश यू कैन मेक मेनी स्मॉल फिशेस। See here, our fish is ready. We'll make some more fishes.
Now we have few fishes. We will make some more. So this fish is a different one, long one. You see here we have a lot of varieties of fishes, also one snake there. So try to make a lot of them. बच्चे लोग यहाँ आप देखेंगे अनेक अनेक प्रकार की मछलियाँ हैं, तो आप भी अनेक प्रकार के मछलियों को तैरते हुए बनाइएगा तो वो और सुंदर दिखेगा. So children, now we will cut algae. You see, these are algae, and you see how carefully he has cut it. It's not easy. बच्चे लोग ये algae है और ध्यान से देखिए कि कितना ध्यानपूर्वक उन्होंने इसको काटा है. So we will also try to do that. So here we are cutting algae. First we cut the outer shape. See children, our algae is ready. Similarly, you can make some more of them. तो हमारा algae तैयार है. इस प्रकार से आप अलग अलग डिजाइन में algae को बना सकते हैं. Here we have cut a lot of things. We have fish, algae, we have starfish, snake. So the more you have things, the more beautiful it will look. You see algae, how it's cut. So you have to be very careful. So children, now we are arranging them. मेरे बच्चों, अब हम उनको सही जगह पर उसको लगा रहे हैं. इसके बाद हम उसको गोंद से चिपकाएंगे. सो वी आर अरेंजिंग इट नाउ एंड लेटर ऑन वी विल पेस्ट देम. चिल्ड्रन, हियर वी हैव पेस्टेड द कटिंग एंड मोर स्मॉलर थिंग्स यू हैव मोर ब्यूटीफुल इट विल लुक. प्यारे बच्चों, देखिए हमने ये सारी चीज़ों को अभी लगा दिया है एंड जितने छोटे चीज़ें रहेंगी उतना सुंदर रहेगा. सो नाउ इट्स योर टाइम, यू कैन डू इट योर सेल्फ एंड सेंड द पिक्चर टू मी. तो अब आपके मौका है कि आप इस पिक्चर को बनाएं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें. धन्यवाद.